Ahora cuando cuatió. श्याम के देखो सबसे बड़का मल्ला प्रणाम कीजिए उनका प्रणाम माला किस पर करना अड़तीस 39 साल का नौकरी संपन्न हुआ है। बहुत कठिन दौर से गुजरते हुए हमने सब दूरी को तय किया है। आप लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा, जहां कहीं भी जिस संस्थान में काम करते हैं वहाँ पे मेहनत से लगन से अपने बड़ों का आदर सम्मान करते हुए अधिकारियों का सम्मान करते हुए काम करिएगा और अपने जीवन को सफल बनाइएगा। जो ये सब इसमें लिखा हुआ है ये 1985 में मैं घर छोड़ा था, 86 में नौकरी लगी, 86 से पहले बार लखनऊ, दूसरे बार बनारस, तीसरे बार प्रयागराज, चौथे बार मिर्जापुर, फिर प्रयागराज, फिर कानपुर, कानपुर से फिर प्रयागराज, प्रयागराज से फिर सिकोहाबाद, सिकोहाबाद से आगरा मथुरा होते हुए फिर प्रयागराज आया, प्रयागराज से फिर अंतिम हमारी सेवा समाप्त हुई मुगल सराय बिल्डिंग। इसमें हमने संघर्ष भी किया है, जैसा कि हमारे चंदू थे ही कल लोग वहाँ बखान कर ही रहे थे। मैं सत्य के लिए कहीं झुका नहीं, उसके लिए लड़ाई बखूबी लड़ा हूँ और हमेशा विजय पाया हूँ। आप लोगों को भी मैं ये कहूँगा कि आप लोग सत्य निष्ठा पे चलते हुए अपने कार्य को अंजाम दीजिए। जय हिंद। पहले ही जला दिया वैसे हेलो देख लो इधर, देख श्याम, श्याम के देखो सबसे बड़का मल्ला साहब के सही टाइम पर देर गेले भाई, ठीक है, एक मल्ला में 8 को लौट गए आप नहीं में रहिएगा अभी, नाइट में दिख रहा है ना, दिन में बढ़िया, क्या बात कर रही है, कैसे नहीं बन रहे, देखो इतना बिंदास बन गए, रिकॉर्डिंग लेना, आपको पता है क्या चश्मा का जरूरत है, वो तो है, पावर जैसा न लाए हैं, आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, धुंधला नहीं है, दिखिए नहीं, दिए हुए जय ना पहुँचिए सबसे बढ़ तो मिंटू दीदी है ना, सोझे मारा है उनने से माला के पूरा फेंक के, बस काम आ गया।
नमस्ते किसका फोटो प्रणाम कीजिए उनका प्रणाम माला किस पर करना है ऐसे फोटो खींचा जाए ऐसे वीडियो बनवाएंगे तो गड़बड़ बात है भाई दूसरा पर चौका मार रहे हैं थोड़ा एक फोटो के चक्कर में मेमोरी फुल हो गया दीदी जहाँ गए वहाँ मेमोरी फुल होना ही होना बताइए क्या टाइम आ गया कह के गोर लगवाना पड़ता है जबरदस्ती भाभी एक बार हाथ लगाइए ना वहाँ हार में हाथ हाँ अब रुके मार रहे फोटो फोटो मार ठीक हो गए आरती भैया तू भी जाना चंदू भैया कॉर्नर मिंटू मिंटू दीदी सतयुग से रिलेट नहीं ना करती है वो महाभारत वाली है वो अरे बाप रे भैया पहले कैंडल बुझाइए पहले हाँ ठीक है आइए इधर कॉर्नर में जाना अपने तरफ से आप लोगों को हाँ बड़ों को प्रणाम छोटों को आशीर्वचन देते हुए ये बताता हूँ 38-39 साल का नौकरी संपन्न हुआ है बहुत कठिन दौर से गुजरते हुए हमने सब दूरी को तय किया है आप लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा जहां कहीं भी जिस संस्थान में काम करते हैं वहां पे मेहनत से लगन से अपने बड़ों का आदर सम्मान करते हुए अधिकारियों का सम्मान करते हुए काम करिएगा और अपने जीवन को सफल बनाइएगा जो ये सब इसमें लिखा हुआ है ये 1985 में घर छोड़ा था 86 में नौकरी लगी 86 से पहले बार लखनऊ दूसरे बार बनारस तीसरे बार प्रयागराज चौथे बार मिर्जापुर फिर प्रयागराज फिर कानपुर कानपुर से फिर प्रयागराज प्रयागराज से फिर सिकोहाबाद सिकोहाबाद से आगरा मथुरा होते हुए फिर प्रयागराज आया प्रयागराज से फिर अंतिम हमारी सेवा समाप्त हुई मुगल सराय बिल्डिंग इसमें हमने संघर्ष भी किया है जैसा कि हमारे चंदू थे ही कल लोग वहाँ बखान कर ही रहे थे मैं सत्य के लिए कहीं झुका नहीं
उसके लिए लड़ाई बखूबी लड़ा हूँ और हमेशा विजय पाया हूँ। आप लोग को भी मैं ये कहूँगा कि आप लोग सत्य निष्ठा पे चलते हुए अपने कार्य को अंजाम दीजिए। जय हिंद। अब नई जो पारी अब भैया खेलने जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और हम चाहेंगे कि जैसा अभी तक खुशी से चला है हमेशा वैसा ही चलता रहे। चॉकलेट चॉकलेट मिल्की बार और क्या मिलेगा खाना ही खाएगा तो मिलेगा हमारा ठीक है। और कोई ओके हां आओ ना एक मिनट हाँ वो तू इंस्टाग्राम अथी यूट्यूब के रील बनवा देखो बेटी हाँ चलो चल देख ठीक है। इस वीडियो को सभी लोग को लाइक करेंगे बहुत आगे तक पहुंचाया, कम से कम 10 मिलियन पार होना चाहिए तब वीडियो का मजा। कहाँ ले पड़ती है हम ले लिए हैं हाँ हाँ एक बार भी ना अरे तुझे नोट दबे तुझे हटा तो होगा ले क्या मत भैया इधर देखो भैया भैया इधर देखो देखो मामा